अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी। ये इसमें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में तो इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट यूज़फुल सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया को का इस्तेमाल करके ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल्स हों। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द माइक्रोब्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल। माइक्रोब्स क्या होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो इंसानों के लिए मुफीद हों। नाउ कम्स टुवर्ड्स द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। माइक्रोब्स इतने छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, यीस्ट है। साइंटिस्ट इन लिविंग थिंग्स को यूज़ करके बैक्टीरिया यीस्ट को यूज़ करके कोई नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज बायोटेक्नोलॉजी मीन। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी यूजेस लिविंग प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था ना, बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट लिविंग प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया ले लिया, यीस्ट ले लिया, इनको यूज़ करके मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट मतलब बनाना, और टेक्नोलॉजी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू मेक चीज़। इंसान जो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ बना रहे हैं, जो खाने की चीज़ होती है ना, चेडर चीज़ होती है, ये योगर्ट जैसे दही बनता है। दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, बैक्टीरियाज की वजह से बनता है ब्रेड और विनेगर। ठीक है, टू मेक ब्रेड। ब्रेड भी किसकी वजह से बनता है? यीस्ट की वजह से। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया और यीस्ट इस वजह से लिया जाता है कि इनकी जो प्रोडक्शन लेवल है, रेप्लिकेशन इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, फौरन मिनटों में विद इन सेकंड्स जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प सॉल्व द वर्ल्ड्स फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम्स। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जो दुनिया में फूड का शॉर्टेज होता है वो किस तरह से हल किया जाता है। द आंसर इज शोफर सेट। शोफर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी में GMOs लिए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिए जाते हैं, माइक्रोब्स लिए जाते हैं, विच प्रोड्यूस मोर फूड बाय रेजिंग यील्ड्स। वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो फूड को जल्दी से रेज करने में, फूड मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ जल्दी बढ़ाने में हेल्प करती है। नेशंस दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज़, और वो जो है डिजीज़ को भी रोकते हैं और पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन विद डायग्राम। अब इससे पहले रेप्लिकेशन डायग्राम के थ्रू ही बता दें DNA का रेप्लिकेशन कैसे होता है। इससे पहले आपको क्रोमोसोम्स का पता होना चाहिए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पेज नंबर 40 में आपको पता चल जाएगा। फ्रॉम द डायग्राम योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। क्रोमोसोम्स के अंदर DNA होता है, DNA। ठीक है, DNA के अंदर जो ये DNA इसके अंदर जो जीन्स है ना, वो जीन्स होती हैं। इसके अंदर जो लाइन्स है ना, वो प्रोटीन्स होती है। हर स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, हर जीन का काम क्या होता है? प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना। ठीक है, ये DNA, DNA के डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें कहाँ होती हैं? ये तमाम ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं? ह्यूमन सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम। सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, और DNA का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। ये DNA, और इसके अंदर जो लाइन्स हैं वो जीन्स हैं, और हर जीन का हर काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अबाउट DNA की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। DNA जल्दी से मल्टीप्लाई होता है कि इसमें DNA जो है, दूसरा DNA अपनी ही सेल डिवीजन के दौरान अपनी ही एक जैसी कॉपी बनाए। जैसे एक DNA, इसने अपनी जैसी सेम दो कॉपीज बना ली। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप किस तरीके से होता है कि अनजिप होता है। अनजिप मतलब टूटता है, ये अनजिप हो रहा है ना, ये DNA है। पहला स्टेप क्या होता है? ये अनजिप होता है, मतलब ये दोनों टूट रहे हैं।
ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, एक डीएनए पहले अनजिप होता है, फिर अपने ही जैसी डबल कॉपी बना लेता है। विल एक्ट एज टेम्पलेट्स फॉर मेकिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए की अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज अबाउट एक्सप्लेन द मैथड यूज टू इंट्रोड्यूस जीन इन टू बैक्टीरिया। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी में बैक्टीरियाज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया की रेप्लिकेशंस विद इन सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बैक्टीरिया का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एक ऑर्गेनेल है जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ये जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो जीन है प्लाज्मिड के अंदर, ये भी क्रोमोसोम होते हैं लेकिन ये अलग से स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड। इसमें से जो जीन निकाली जाती है, ठीक है। डीएनए के अंदर जीन होता है, मैंने आपसे यही कहा था क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। अब जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से प्लाज्मिड के अंदर से जो है जीन को लिया जाता है, कटिंग की जाती है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप क्या, द रिक्वायर्ड जीन ऑफ डिजायर प्रोटीन इज आइडेंटिफाइड। अब रिक्वायर्ड जीन ली जाती है डीएनए से, जो हमें जो जीन की ज़रूरत होती है, जिस जीन की ज़रूरत है, बहुत सारी जीन होती है डीएनए के अंदर, जिस जीन की ज़रूरत होती है वो जीन निकाली जाती है, ठीक है। एक सीजर की ज़रूरत है, जीन इज रिमूव फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। अब जीन जो है क्रोमोसोम से हटाई जाती है, मैंने आपसे कहा था कि जीन कहाँ होती है, डीएनए के अंदर होती है, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर। तो अब ये जो जीन जो है निकाली जाती है, मतलब रिमूव की जाती है एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है केमिकल सीजर, ठीक है। पार्ट ऑफ द जीन इज इंसर्टेड। अब वही जीन जब जो रिमूव की गई है एक बैक्टीरिया से, वो दूसरे बैक्टीरिया के जीन में इंसर्ट की जाती है, ठीक है, प्लाज्मिड में इंसर्ट की जाती है। अब यही प्लाज्मिड जो है दूसरे बैक्टीरिया में डाला जाता है। इस तरीके से जो है एक्सप्लेन द मैथड यूज टू इंट्रोड्यूस जीन इन द बैक्टीरिया, इस तरीके से जीन का जो है ट्रांसफरेंस होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। जब आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो जब आप एक्सप्लेनेशन होगी तो आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। नाउ कम्स टुवर्ड्स द, जब ये जीन की कटिंग, डीएनए के अंदर जीन होता है, क्रोमोसोम सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। अब वो जीन जो है डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, वो जीन को रिमूव किया जाता है बैक्टीरिया के, उस जीन को रिमूव किया जाता है एक केमिकल सीजर की थ्रू। अब वही जो रिमूव की गई है जीन, वो दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में डाले जाते हैं, अब वो केमिकल सीजर से। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड इज़ अ स्मॉल सर्कल डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ये प्लाज्मिड्स, ये भी डीएनए होता है लेकिन सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूजफुल रोल माइक्रोब्स। मैंने आपसे कहा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हेल्थ, माइक्रोब्स का क्या रोल होता है इंडस्ट्रीज में हेल्थ की, द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल्स, जैसे वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इज द जॉब ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिस्ट की वजह, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनाते हैं वैक्सीन। एक्चुअली क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं कहा जाता है। उन्होंने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन का मीनिंग क्या होता है, वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि कोई मेडिसिन बन सके। वैक्सीन्स क्या होते हैं, एक्चुअली वैक्सीन्स यही होती हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैक्सीन्स क्या होता है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका ये कौन बनाता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। नाउ कम्स टुवर्ड्स द माइनिंग, माइनिंग में क्या होता है, सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल, कुछ बैक्टीरिया जो है सॉइल के अंदर रहते हैं, कोल और मिनरल माइंस के अंदर रहते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है मिनरल्स को खाते हैं, और जो है इसके जब वो खाते तो रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन सल्फेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं माइक्रोब्स, वो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। थैंक यू।